people came here for exercise there, and they are come with his families for enjoy weekend, and this look at these beautiful flowers, enjoy the peaceful environment in Jinnabagh Lahore, Jinnabagh Library. मैं इस वक्त जिनाबाग लाइब्रेरी के सामने खड़ा हुआ हूँ और इसमें 1,00,000 किताबें हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर मुश्तमिल हैं, इनको मुख्तलिफ़ सेक्शन में चेंज कर दिया गया है और इसमें अलग अलग किस्म की किताबें रखी गई हैं, उर्दू वाली सेक्शन में उर्दू की किताबें और इंग्लिश वाली में इंग्लिश की किताबें, इसको मुख्तलिफ़ सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। इन द गार्डन वाज वेरी वास्ट एंड the environment is very peaceful, you can look that, and I am sitting in the garden mein to aap dekh sakte hain yahan pe mashallah bahut zyada log aate hain har roz lakhon log yahan pe sair karte hain sair aur mukhtalif alaqon se schoolon ki trip aate hain jo ki recreational trip hote hain aur bachchon ko bahut acha environment yahan pe aake milta hai ye bachchon ko isliye batata chala hu ki Jinnabagh jo hai ye pakistan mein पाकिस्तान बनने से पहले बनाया गया था, 1869 में बना था और इसको पहले तो लॉरेंस गार्डन के नाम से जाना जाता था, बट अब तो इसको नाम दे दिया गया है, नाम चेंज करके बता दिया गया जिनाह गार्डन और इसमें जिनाह लाइब्रेरी को नाम दे दिया गया। और इसमें दो लाइब्रेरियाँ हैं, एक तो दारुल इस्लाम है और दूसरी जिनाह लाइब्रेरी है। जिनाह बागरी में लाइब्रेरी में 1,00,000 किताबें हैं और 1,00,000 किताबों में जो है मुख्तलिफ सेक्शन हैं, उनमें इंग्लिश और अरबी और पर्शियन में कुछ लोग अपनी नींद इंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं और कुछ लोग खाना खा रहे हैं। जब मैं इसके सामने खड़ा हूँ आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से आती है, यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है आप देख सकते हैं और ये बहुत अच्छा कंट्रास्ट देती है मतलब नेचर में, और ये बहुत अच्छी लगती है जब चलती है, तो इस वक्त इसका चलने का टाइम नहीं है। सो मैं आप पहाड़ी के सामने खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक पहाड़ी बनी हुई है, इस पर लोग इन्वायरमेंट को एंजॉय करने जाते हैं और इन्हें ये समझते हैं कि ये पहाड़ों में हम आ गए हैं, इसलिए ये बनाई गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग बातें कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन पर और लोग अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ कर रहे हैं, मसरूफ़ हैं और इंजॉय कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। सो अब ये दो रास्ते हैं, इनमें से मैं एक चूज़ करूँगा, एक में से एक की तरफ जाऊँगा और दूसरी की तरफ से आऊँगा। सो गाइस आप देख सकते हैं कि अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं ऊंचाई की तरफ चढ़ते जा रहा हूँ, और अब मैं आपको नीचे वाला जाके सीन दिखाऊंगा कि ऊपर से किस तरह का दिखाई देता है, और ये बहुत अच्छा सीन दिखाई देता है। मैं पहले देख चुका हूँ इसलिए मुझे पता है, सो आज आपको दिखा रहा हूँ। सो आप देखें, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं ऊंचाई पे खड़ा हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बंदा किसी ज़मीन से दूर चला गया हो और जन्नत टाइप जगह में आ गया हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग अपने कपल्स आते हैं, यहाँ पे अपनी बीवियों के साथ लोग आते हैं, और ये आप देख सकते हैं ये व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा पुल बनाया गया हुआ है आप शहर के ऊपर से। आप देख सकते हैं यहाँ से लाइब्रेरी नज़र आ रही है, लोग अच्छे एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, और मैं अभी तक पहाड़ी के पीक पर नहीं गया। ये देखें यहाँ पे दरख्त ज़्यादा तादाद में उगे हुए हैं और एक जंगल की मानिंग दिखाई देता है, जिस तरह मैं ऐसा लगता है जैसे मैं अफ्रीका के जंगलों में आ गया। सो आप देख सकते हैं लोग अपनी अपनी ज़िंदगी अपने अपने तरीके से इंजॉय करते हैं, यही तो शहरों की बखासियत है कि लोग यहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट इंजॉय कर रहे होते हैं।
और उनको अच्छे मौके फराहम होते हैं एज कम्पेयर टू द विलेजर्स. सो आई एम रीच्ड एट द पीक ऑफ द माउंटेन. रास्ते से नीचे जाऊंगा, चलें तो मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ. अब देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे रास्ते से नीचे जाऊँगा और यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को. आप देख सकते हैं दो कपल, एक कपल बैठा हुआ है और एंजॉय कर रहा है, बातें कर रहा है. इट्स ए गुड थिंग. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग एंजॉय करने आते हैं अपने फैमिलीज के साथ. और ये नीचे की डर लुहान है, खूबसूरत जगह वो देख सकते हैं. कहीं पे छाँव है और कहीं पे धूप है और ये बहुत अच्छा कंट्रास्ट दे रही है, अच्छा एनवायरनमेंट जाहिर करवा रही है. और इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैफेटेरिया है और यहाँ पे फैमिलीज बैठ के खाना खा रही हैं. इस वजह से मैं उनके करीब नहीं जा सकता, देखने की कोशिश कर रहा है. और यहाँ पे लोग फैमिलीज के साथ आते हैं जब, तो यहाँ सफ़र किया था कि दारुलस्लाम एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास परमिशन नहीं है, मैं इसका मेंबर नहीं हूँ. और ये मस्जिद है, इसके साथ आप नमाज अदा कर सकते हैं पार्क में रहकर. और ये एक मैसेज दिया गया है, ये मस्जिद मस्जिद में जूते उतार के अंदर आए. ओके, और यहाँ पे मस्जिद में बंदा नमाज अदा कर सकता है. और वो दारुल इस्लाम कुतुब खाना है, कुतुब खाना में ना मैं जिनाबाग में जा सकता हूँ क्योंकि आई हैव नो परमिशन एंड आई एम नॉट मेंबरशिप, आई हैव नो मेंबरशिप कार्ड. दैट्स व्हाई पीपल दे आर सिटिंग देयर एंड टॉकिंग ईच अदर एंड मेकिंग गॉसिप्स एंड लुक एट दिस फ्लावर्स. आई फील एंजॉयिंग व्हेन आई केम दिस गार्डन. दिस इज़ वेरी गुड. You can look those students who came here for trip. ये लोग ट्रिप के लिए आए हुए हैं. और आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बाग में लोग मुख्तलिफ स्कूल से ट्रिप्स वगैरह आती हैं और वो ट्रिप्स को इन्जॉय करती हैं. और अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि इस वक्त मैं कच्ची सड़क पे हूँ. आप देख सकते हैं कि स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं और लोग बातें करके चल रहे हैं. क्लब बनाया गई है यहाँ पे, क्लब बनाया गया ताकि बड़े बड़े अफसर यहाँ पे आके खेल सकें और तफरी फराम उनको फराहम की जा सके. आप देख सकते हैं बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है एक अफसरों के लिए. और इधर भी छोटा सा पार्क है और इस वक्त मैं एंड पे पहुँच चुका हूँ ये गार्डन के बढ़ रहा हूँ, जहाँ पर बच्चों के लिए झूलों का इंतज़ाम किया गया हुआ. बड़े अंदर नहीं दाखिल हो सकते, आपको पता ही है. वैसे तो अभी तक रश नहीं हुआ क्योंकि लोग यहाँ पे लेट नाइट आते हैं, यानी कि रात थोड़ी देर पहले आते हैं, 6-7 बजे तक लोग यहाँ पे वर्जिश के लिए आते हैं और यहाँ पे माहौल इंजॉय करते हैं. आप देख सकते हैं मैं इस वक्त बच्चों के पार्क के सामने खड़ा हूँ. यहाँ पे बच्चों के लिए झूल लगाए गए हैं ताकि बच्चे इस मोमेंट को अच्छी तरह इंजॉय करें. झूलों के पार्क झूलों वाले पार्क के सामने से गुजर रहा हूँ. आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरह के तरीके से लगाए हुए हैं और हर एक दरख्त के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम लिखा गया है ताकि बंदा अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ा सके. आप देखें गुल नश्ते. और यहाँ पे बच्चों के पार्क को देख सकते हैं. और आगे ये आगे मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ, ये किस नंबर से गुजर रहा हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बाहर जाने का गेट है, लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने आगे जाना है अभी नेक्स्ट प्लेसेस पे. आप उसका सही व्यू देख सकते हैं. और ये देख सकते हैं कि आपके फूल ना तोड़िए, वैसे लिखा गया हुआ है जगह जगह पर, लेकिन पाकिस्तानी लोग तो फूल तोड़ने के आदी हैं ना. देख सकते हैं आप यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से नई कलमकारी की गई है ताकि बाग में पौधों को बढ़ाया जा सके. और एक एनुअल हर साल तकरीबन होता है, फंक्शन होता है यहाँ पे, तो वो अभी थोड़ी दिनों बाद मुनक्किद होने वाला है. तो आप देख सकते हैं इस फेज़ फ्लावर्स के नज़दीक में जा रहा हूँ.